नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। कुल्टी स्थित अग्रसेन भवन धर्मशाला में गुरुवार को कुल्टी अग्रसेन भवन धर्मशाला कमेटी, कुल्टी मदद फाउंडेशन एवं मारवाड़ी युवा मंच द्वारा संयुक्त रूप से गुरु गोपीराम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन अतिथि द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्वास्थ्य जांच शिविर में दंत प्राकृतिक चिकित्सा, शुगर, रक्त, नेत्र, महिला रोग के चिकित्सकों द्वारा लगभग 250 लोगों को जांच की गई। इस अवसर पर चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर मंजुनाथन, डॉक्टर स्वाति टी, अमित सिंह, डॉक्टर संतोष, डॉक्टर कीर्ति, डॉक्टर विश्वनाथ घोष एवं डॉक्टर बी के राय को मोमेंटो एवं मानपत्र देकर सम्मानित किया गया। समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए कुल्टी की समाज सेवी संगठन कुल्टी मदद फाउंडेशन के मंजीत सिंह एवं डॉक्टर ममता सिंह, ममता मिश्रा, महिला भक्त मंडल कुल्टी ब्लॉक नागरिक कमेटी के गोपी कृष्ण दत्त, PPS स्कूल के संयुक्त सचिव राकेश तिवारी, मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय संयुक्त सचिव संदीप शर्मा, कुल्टी महोत्सव कमेटी के अरुणमा राय, कुल्टी यूथ फोरम के तुषार मुखर्जी, श्री अग्रसेन भवन धर्मशाला कमेटी के राजेंद्र पुद्दार, मारवाड़ी युवा मंच के अनूप शराफ, कुल्टी टाउन सोशल वेलफेयर के शिखा बागची, विवेकानंद प्रचार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पन्नव चटर्जी, ह्यूमन राइट्स की इंद्राणी गुप्ता एवं चैताली राय, समाज सेवा के क्षेत्र में रवि राय चौबे, रविशंकर चौबे सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में राजेंद्र पुद्दार, रविशंकर चौबे, अनूप शराफ, अरविंद पुद्दार, अजय अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, दिनेश सुदानिया, राजेश खाटूवाला सहित कुल्टी मदद फाउंडेशन, श्री अग्रसेन भवन धर्मशाला कमेटी एवं मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य मौजूद थे। कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हर तरह के डॉक्टर्स जैसे डेंटल, ENT, आई, गाइनो, जनरल फिजिशियन या नेचुरोपैथी पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो स्पेशलिस्ट है अपने फील्ड पे। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल की तरफ से सारे डॉक्टर आयोजित हैं, वो सब आके यहाँ पर फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो यहाँ के जितने गरीब तबके हैं या जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। तो इसके बारे में आप लोग इससे पहले जानकारी यहाँ के कुल्टी वासियों को सूचित किए हैं? हाँ, हम लोग कि ऐसा कैंप का मतलब प्रोग्राम यहाँ पे आयोजन हो रहा है कि ये फैसिलिटीज़ जो है हमारी संस्था में दी जा रही है। लीफलेट वगैरह दिया गया है, लोगों को जानकारी दी गई, लीफलेट वगैरह दिया गया है, माइकिंग कराया गया है और जानकारी दी गई है। और हमारे कितने लोग यहाँ पे अभी आ जाए उपस्थित होंगे? अभी करीब करीब 100 प्लस रजिस्ट्रेशन, 200 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, 200 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ऑलरेडी, और अभी भी पेशेंट्स आ रहे हैं। उम्मीद है 300। यहाँ पर दवाई की भी हम लोगों ने सुविधा प्रदान की है कि दवाई भी जो भी जरूरतमंद पेशेंट्स है जिनको दवाई अपने नहीं खरीद पा रहे हैं उनको हम लोग दवाई भी उपलब्ध करा रहे हैं। आपके संस्था में क्या प्रतिवर्ष इस तरह का कार्यक्रम होता है या प्रति माह कुछ ऐसा? प्रतिवर्ष नहीं, ये लगातार सामाजिक काम और मान लीजिए सोशल वर्क का जो काम है, जब भी कोई हम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है तो हम लोग उसमें सहयोग देते हैं और उसको कराते हैं। तो अभी जो गोपीराम हॉस्पिटल है वो एक अच्छी हॉस्पिटल हमारे अपने इलाके में आई है और उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम किया जा रहा है और हम लोग चाहेंगे कि इस तरीके के प्रोग्राम हर वक्त हो और हम लोग हर वक्त सहयोग दे पाए। और हमारी संस्था के तरफ से प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन होम्योपैथिक कैंप फ्री चलाया जाता है, हमारे डॉक्टर साहब यहाँ अवेलेबल है। होम्योपैथिक शिविर कंटिन्यू चल रहा है, प्रत्येक माह हमारे यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठ रहे हैं। 28 तारीख को जो रायपुर से आते हैं श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में, और वो प्रत्येक महीने के 28 तारीख को यहाँ कैंप लगाते हैं अपना। होम्योपैथिक रेगुलर चालू है, ऑक्सीजन सेवा हमारी निरंतर जारी है। इसके साथ हम लोग आर्टिफिशियल लिम्ब के शिविर भी लगाते हैं,
साथ ही साथ हमारी कैंसर वैन भी है जो समय समय पर हम लोग उसका भी शिविर आयोजित करते हैं, वो एक बृहद बड़ा रूप का कार्यक्रम है। तो हमारी इस क्षेत्र में बहुत सी शाखाएं हैं, उनके माध्यम से हम लोग ये शिविर सेवा प्रदान करते हैं। आपका परिचय? हमारा परिचय, मैं अनूप कुमार सराफ, मारवाड़ी वोमेंस का सेक्रेटरी और भूतपूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष रह चुका हूँ मैं। आयोजन किया गया आज हम लोग गोपी राम हॉस्पिटल के सहयोग से कुलटी मदद फाउंडेशन, कुलटी एग्रेसिव एवं धर्मशाला कमेटी और मारवाड़ी जीवन के संयुक्त प्रधान में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है ताकि कुलटी के लोगों को स्वास्थ्य की परिचय हम दे सके। इस कैंप में कितने डॉक्टर आ रहे हैं? टोटल में गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, डेंटल हैं, इसके साथ साथ आपको नेचुरोपैथी हैं, आई है, डेंटल है, बहुत सारे डॉक्टर आए हुए हैं जो बैंगलोर से आए हुए हैं गोपी राम हॉस्पिटल में और उनकी सेवाएं हमें ले रही है। उसके साथ साथ दवा का भी हम लोग निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? लोगों का रिस्पांस अच्छा है, क्योंकि आज के युग में स्वास्थ्य सेवा बहुत बड़ा सेवा होता है, तो स्वास्थ्य परिसेवा हम लोग दे करके इस इलाके में जो पुलटी रेल पार्क इलाका थोड़ा पिछड़ा इलाका है, तो इस इलाके में बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग स्वास्थ्य सेवा को दे सके बेहतर ढंग से। चूँकि हम लोग प्रोग्राम पूरे वर्ष चलते रहता है। आज के कार्यक्रम में कौन कौन गेस्ट आए थे? आज हमारे गोपीराम हॉस्पिटल के महाप्रबंधक सीईओ थे, महाप्रबंधक थे, और कुलटी के जितने भी समाज सेवी संगठन हैं उन लोगों को हमने समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए एक मानपत्र मोमेंटो के साथ साथ सम्मानित किया। कुलटी में लगभग 6 संस्थाओं को हम लोगों ने सम्मानित किया, इसके साथ साथ हम लोग विशिष्ट सेवा के लिए कुछ विशेष व्यक्तियों को भी सम्मानित किया। निःशुल्क औषधियाँ भी दी जा रही? जी, निःशुल्क औषधि दी जा रही। निःशुल्क औषधि के साथ साथ ब्लड टेस्ट भी है, प्रेशर है, शुगर है, और इसके बाद हम लोग का ये योजना क्या कि यहाँ से जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको पुनः एक बार हम हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और करा कर उनको निःशुल्क सेवाएँ और भी बेहतर सेवाएँ दिया जाएगा। स्वास्थ्य रविशंकर चौबे और ट्रैकिंग कमेटी के सदस्य हैं, कुंडी मदद फाउंडेशन के महासचिव। अच्छा है रिस्पॉन्स, मतलब इस महीने तो टोटली फ्री है, अपना पूरा सर्विस फ्री है, और नेक्स्ट मंथ से और ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट्स ओपन हो जाएगा, जैसे गायनेकोलॉजी फुल टाइम में, डायबिटिक क्लिनिक और ऑपरेशन थिएटर्स और तो न्यूरो स्पाइन सब ओपन हो जाएगा। सर हम लोग देख रहे हैं जो शुगर एक कॉमन बीमारी हो गया, इसकी वजह क्या है? शुगर में बहुत ज़्यादा है, ये तो हेरिडिटरी है, एक तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, मेनली इसमें आ गया, तो लाइफस्टाइल में मतलब एक्सरसाइज नहीं है तो खाना पीने में बराबर नहीं है तो एक आ जाएगा, ये तो हेरिडिटरी है, पेरेंटल है, मतलब तो पेरेंट्स के तो जेनेटिक्स में होता है। एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे वो डायबिटीज से बच सके? ये डायबिटीज़ के लिए पहले व्यक्ति को
समझ में आई कि वो एक डिसीज नहीं है, एक क्या बोलते हैं वो एक डिसऑर्डर है। वो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन वो एलिमिनेट कर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ओनली मेडिसिन में डिपेंड नहीं करना है, वो खुद भी थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा डायबिटीज़ के लिए। मतलब हमारा एजुकेशन मस्ट है, उसमें खाने पीने का रेस्ट्रिक्शंस है और मेडिसिन टाइम में खाना है। जैसे प्रोवर्ब है, हम खाना मेडिसिन दवाई जैसे नहीं खाया तो फिर दवाई खाना जैसे खाना पड़ेगा। वही डायबिटिक का मेन लोग है। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा स्वाति टी। अच्छा, आज का कार्यक्रम क्या था? आज का कार्यक्रम क्या है? क्या है आज का कार्यक्रम? हम लोग यहाँ पे फ्री कैंप लगा रहे हैं जो कि समाज की तरफ से एसोसिएट किया गया है। उन्हीं के साथ में मिलकर हम लोग गुरु गोपीराम हॉस्पिटल मुफ्त कैंप लगाए हैं, जिसके अंदर हम सभी पेशेंट को देखेंगे। साथ में प्राकृतिक चिकित्सा से मैं हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा हम लोग जितना ज़्यादा जो पेशेंट सर्जरी नहीं करवा सकते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है और वो लोग सर्जरी की तरफ या उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है कि वो कोई टैबलेट वगैरह खाएं, तो उन सारे पेशेंट्स को मैं ट्रीट करती हूँ। साथ में अगर थोड़ा बहुत दर्द वगैरह हो, जो भी चीज़ें बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं वो सारा कुछ मैं। जो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, ये सबसे डिफरेंट क्या है? इन सबसे डिफरेंट ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा यानी प्रकृति से इलाज किया जाता है, जिसमें हम लोग तेल पानी मिट्टी इन्हीं सारी चीज़ों को लेके लोगों को उपचार करते हैं। ये कितना कारगर साबित होता है? कारगर तो ये है कि कारगर पूरा ही है। मेरी तरफ से तो मैं यही बोलूँगी कि 100% कारगर है। बाकी आप लोग आएंगे यहाँ पे इलाज लेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। तो बाकी ये ज़रूर है कि प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। मिनट के अंदर इसमें किसी भी चीज़ का उपचार करने के बाद आप सोचेंगे कि मिनट के अंदर फ़ायदा है, मिनट के अंदर फ़ायदा नहीं आता है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, पेशेंस संयम चाहिए। उसके साथ में अगर आप हमें समय देते हैं तो ज़रूर इसका फ़ायदा है। अगर नेचुरोपैथी का कोई इलाज कराना चाहे तो आप कहाँ पे अवेलेबल रहेंगे? मैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल में ही बैठती हूँ। आप लोगों को गुरु गोपीराम हॉस्पिटल आना होगा, वहाँ पे आपका प्रचार किया जाएगा। कितने से कितने समय में? 10 से 4 मैं हॉस्पिटल में रहती हूँ उसी समय। थैंक यू मैडम। क्या नाम है आपका? कृति श्रीवास्तव। आज यहाँ पे आप कहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे फ्री चेकअप दिया जा रहा है पेशेंट्स को, यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा प्रोवाइड। मतलब हम लोग अपने गुरु गोपीराम हॉस्पिटल की तरफ से ये एक ऑर्गेनाइज किए गया है कैंप के लिए, जिसमें आंखों की जांच और दांत चिकित्सा जनरल सारे ही पार्ट को देखा जाएगा। आंखों के लिए ये है कि आप मोतियाबिंद है या नहीं, इसकी जांच आप रेगुलर करवाएं, पावर की जांच को चेकअप करवाते रहें, जिससे क्या होगा चश्मा अगर आप लगाएंगे तो पावर की वजह से जो धुंधलापन है वो आपका ठीक हो जाएगा। मोतियाबिंद अगर है तो उसको ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा। और ज़्यादा अगर मधुमेह वगैरह है तो उससे आँखों के पर्दों में भी प्रभावित होती है, जिसकी वजह से जाँच रेगुलर ज़रूरी है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मोबाइल को यूज़ करने से आँख पे कितना असर पड़ता है? आँख पे बहुत ज़्यादा ही असर पड़ता है, क्योंकि मोबाइल से जो रेज आँखों में पड़ती है उससे आँख में स्ट्रेन होता है, आँख में जलन होता है। उसके लिए भी आँखों की जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा डिस्टेंस को मेंटेन करके फ़ोन यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या क्या पौष्टिक आहार लेने से आँखों की रोशनी बरकरार रहती है? पौष्टिक आहार में आहार तो सभी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन मेनली जिसमें हम लोग ध्यान देते हैं गाजर हरी सब्जी बैंगन दूध ये सारे साथ इस चीज़ को ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर आज का कार्यक्रम क्या है? आज तो सर यह गुरु गोपीराम हॉस्पिटल का ये होना है, ये मैंने फ्री मेडिकल कैंप जो बोला जाता है वो हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर मेडिसिन जो होगा वो सब टोटल फ्री में दिया जाएगा, टोटल फ्री में हो रहा है। अपने एग्जाम से लेके मेडिसिन से लेके टोटल जो मरीज आ रहे हैं वो चेकअप करा के यहाँ पे आएंगे उनको टोटल फ्री फ्री में टोटल फ्री। अच्छा, क्या क्या मेडिसिन है? मतलब मेडिसिन एंटीबायोटिक्स है, ORS है, अच्छा गैस का दवाई है, विटामिन का दवाई है, अच्छा आपको शुगर का दवाई है, उसके बाद एक्सेप्ट सब कुछ पूरा बना पड़ा है। ऑल टाइप का मेडिसिन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। आपका क्या नाम हुआ? आपका जयंत रॉय। आप गोपीराम में क्या पोस्ट पे? फार्मासिस्ट।